चलिए तो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, आपके फेवरेट चैनल पर। वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। चलिए तो ये क्लास जो है आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं एसएससी के लिए नया बैच हमने स्टार्ट किया है 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से बिल्कुल नया फ्रेश बैच है। सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हमारे पढ़ा रहे हैं, मैं सारी चीज़ें टॉपिक वाइज करा रही हूँ। 2 दिन से यहाँ पर लगातार हम लोगों ने जैसे नंबर सीरीज किया, ठीक है, नंबर सीरीज़ किया हम लोगों ने, पहला ही हमारा जो भी टॉपिक है नंबर सीरीज़ का टॉपिक हम लोगों ने लिया, ठीक है, बेसिक, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे वो टॉपिक कवर किया। अब हम लोग आज से मिसिंग नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आप लोग पूरा भैया अपना फोकस लगा दो। मिसिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा आता है, मैंने आपको पहले दिन बताया था जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो भैया आप लोग यहाँ पर रेडी कर लो, ठीक है, उसके बाद से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। और ये जो आप लोग की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और मेरी क्लास जो होती है रात को 9 बजे रहती है इसी टाइमिंग पे, इसी चैनल पे रात को 9 बजे मेरी क्लास रहती है, एक रहती है सुबह 10 बजे। तो रात को 9 बजे एक तो मेरी क्लास होती है, एक होती है सुबह 10 बजे, आप लोग मेरी दोनों क्लासेस में जुड़ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप लोग सर्च करके बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लो सारे लोग, सारे लोग टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, सारे लोग टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लीजिए सबसे पहले तो। अच्छा, इन क्लासेस के अलावा अगर आप लोग मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस करना चाहते हो, ये बैच हमने नया स्टार्टेड किया है अभी सुबह 10 बजे से, ये रहता है मैंने बताया है आप लोगों को, यही हमारी जो क्लास चल रही है सुबह 10 बजे से रहती है, डेली सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो ये वाला आप लोग बैच फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस रहती हैं डेली वाली, वो रहती है सुबह 11 बजे, शाम को रहती है 4 बजे। तो आप लोग मेरा नाम सर्च करें रितिका तोमर एंड ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पर रितिका 10 कोड आप लगा के फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इसी के बाद क्लास है 11 बजे से। अच्छा, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे अगर आप आइकॉनिक लर्नर हैं, ठीक है। एसएससी और रेलवेज में आपको मैंने बताया कि डिस्काउंट भी आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगा 20% तक का अगर आप रितिका 10 कोड यूज़ करेंगे और साथ ही साथ अपने कॉइन्स यूज़ करेंगे, तो आप लोग का गाइज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपके बेस्ट ऑफर चल रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑफर अन अकेडमी का सबसे पॉपुलर जो ऑफर है वो अभी चल रहा है, तो आप यहाँ पर रितिका 10 कोड लगाएं विदाउट स्पेस, किसी भी सब्सक्रिप्शन करने के लिए रितिका 10 कोड लगा सकते हैं। दूसरी बात, सब्सक्राइब करने का जो लिंक है ना वो यहाँ लगा रहता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिंक देखो कहाँ लगा है, जहाँ आप लोग अभी क्लास कर रहे हो ना उसी के टॉप पर देखो, सबसे ऊपर सब्सक्राइब करने का लिंक लगा रहता है, तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तभी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च करके यहाँ पे जुड़ जाइए, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे रेडी वाला कमेंट कर दीजिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, मिसिंग नंबर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे और लाइव टेस्ट करेंगे। सो रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, फिर अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और सारे लोग लाइक भी कर दीजिएगा सेशन को, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग बढ़िया तरीके से अपना ये सेशन जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। चलो रेडी हैं सब लोग, सारे लोग रेडी स्टडी, गो। चलिए ठीक है, तो कॉपी पेन ले लेना, इम्पॉर्टेंट है उसका जो है नोट्स बनाने के आपके काम आएगा, ठीक है। तो रेडी पॉज, है ना, ठीक है। हिंदी की क्लास जब चलेगी तब ज्वाइन कर लेना, अभी जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो उन्हीं को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की क्लास चलेगी जब कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस, सबसे पहले तो देखो यार, मिसिंग नंबर्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है सॉल्व करने में, मैडम कैसे सॉल्व करें, तो मैं हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाली हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के ही पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो भी हमारा आएगा तो वो प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जो नंबर सीरीज़ में ट्रिक्स लगती है वही सीरीज़ यहाँ पर लगती है, वही ट्रिक्स यहाँ पर लगती है, मैं इसको बता दूँगी आप लोगों को, अभी आप लोग इसे ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं इसे बताऊँगी, ठीक है। सॉल्व करो एक बार, इस वाले क्वेश्चन को चेक करें, चले डन हो गया पहला सवाल। देखो भाई पहले सवाल में क्या है, जल्दी जल्दी चेक करें, जल्दी सारे लोग। हाँ, और ये क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे का ही है, ये वाले क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे का है, और एक और हमारी क्लास लगती है उसका टाइमिंग रात को 9 बजे का है, ठीक है। चलो तो फिर जहाँ पे बता दो क्या आंसर आने वाला है। देखो सबसे पहले तो यार आप लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कई सारे स्टूडेंट्स को कि मैम यहाँ पे हमें रो वाइज सॉल्व करना है या कॉलम वाइज सॉल्व करना है, हमें ये नहीं पता चल पाता, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें रो वाइज सॉल्व करना है कॉलम वाइज। सबसे बड़ी संख्या जहाँ लिखी रहती है ना उसी डायरेक्शन में सॉल्व करना होता है, सबसे बड़ी संख्या अगर वहाँ लिखी रहती तो हम उस डायरेक्शन में सॉल्व करते, अभी सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखी है तो इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न लगते हैं, देखो सबको या तो ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो। अब देखो एक पैटर्न ये भी लगता है कि सबको ऐड करके
लिखा देती हूँ यहाँ पे सारे पैटर्न, आप लोग लिख लेना। स्क्वायर करते हैं या पहले सबको स्क्वायर कर देते हैं अलग अलग, बाद में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी करते हैं। अब ये ए बी सी तीन नंबर से अपने पास, ए बी सी मान के चलो, तो किस पैटर्न कैसे कैसे चलते, देखो ऐसे भी चलते हैं, ए प्लस बी इंटू सी कर दिया, ठीक है, या ए में से बी को घटाया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या ए का सी से इंटू कर दिया, उसमें से बी को माइनस कर दिया, ठीक है, या फिर ए में सी को जोड़ दिया हमने, माइनस को बी कर दिया, ऐसे कई सारे पैटर्न चलते हैं, तो आप इस तरीके के पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न आप इस क्लास में फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं, कर लोगे, ये लिख लेना पैटर्न। ऐसे पैटर्न में क्या क्या लगता है, सबको ऐड करके स्क्वायर कर दिया, या सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, या इस तरीके के मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई माइनस ऐड करके, या पहले में तीसरे को जोड़ा या दूसरे को, इस तरीके से करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है एवरीवन। तो ये आप लोग का इस तरीके का पैटर्न बन सकता है, तो देख लेना। फिलहाल यहाँ पे सिंपल पैटर्न है, सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो सबको मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जब हम 7 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ चुका होगा, तो ये हमारा 7 बन गया, ठीक है, बोलो क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जब हम 7 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा। चल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा पैटर्न सारे, या तो स्क्रीनशॉट बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो 30 सेकंड्स, अब टारगेट करो भाई, टारगेट बेस्ड क्लास रहेगी अपनी ये, आज भी कल भी प्रीवियस ये क्वेश्चन चलेंगे, जिससे कि पूरे पूरे आप लोगों का पेपर फंसे, ठीक है, मैं सारा पूरा टॉपिक करवाऊंगी यहाँ पे, है ना। तो भाई यहाँ पे एक काम करो जल्दी से, कि ये कर लो पहले, तो ये टाइमर देखते रहो, इसी के अंदर अंदर आपको आंसर करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, सॉल्व करिए क्या आंसर बनेगा इसमें। चलिए बन गया क्या ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला आंसर आ रहा है इसका। देखिए लॉजिक आपको खुद बनाने होते हैं, बशर्ते कि वो सब में फॉलो कर जाना चाहिए, ठीक है, लॉजिक हमें खुद बनाना होगा, बशर्ते वो सब में फॉलो कर जाए। चलिए देखते हैं इस वाले सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सुनिए कि यहाँ पे अपन को 65 लेकर आना है, चाहे ऐड करो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो क्यूब करो, ठीक है, है ना, चाहे आप ऐड करो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो क्यूब करो एवरेज ले लो कुछ भी करो, 65 आना चाहिए। अब 65 कैसे आएगा वो देख लो। सबसे पहले 65 लाने का तरीका गाइस क्या है, यहाँ पे देखो 65 तब आता है, सबको पता है, जब हम 13 का गुणा 5 से करते हैं तभी आता है, और तो कोई है नहीं 65 लाने का तरीका। 5 है हमारे पास, ये रहा 13, ले आओ कहीं से, तो 13 में इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 को और 7 को जोड़ दिया हम लोगों ने, कितना आया 13 आया, उसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5 के साथ, समझ रहे हो, यानी यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे आप लोग का पैटर्न चल रहा है बी में सी को जोड़ेंगे और ए के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसी तरीके से अगर हमें 45 लाना है, 9 का इंटू 5 से करते हैं तो 45 आता है, यहाँ पे 1 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 1 प्लस 4 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला आप लोग का ये वाला सवाल है, इसको सॉल्व करो, ये पैटर्न मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था क्या पैटर्न है इसका, है ना, बातें नहीं करिए आपस में, ठीक है, बातें नहीं करिए आपस में, है ना, बातें नहीं करिएगा आपस में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बातें नहीं करी आपस में, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, बातें तो होती रहती हैं, बहुत टाइम है बातें करने का। चलिए डन हो गया। इसके बाद गाइस आप लोग की क्लास जो रहती है वो अनअकैडमी पे रहती है, 11 बजे वाली, वो भी आप लोग की सेम टाइमिंग पर है, ठीक है, जो आपका टाइमिंग रहता है उसी टाइमिंग पर है, 11 बजे वाली जो क्लास रहती है आप लोग की उसी टाइमिंग पर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो
ये सारे टॉपिक में करवा रही हूँ, जैसे अभी हम लोग एक एक टॉपिक को दो दो तीन तीन दिन लेकर चल रहे हैं, फिर हम बेसिक लेवल करेंगे, एडवांस लेवल करेंगे, काउंटिंग फिगर है, डाइज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ठीक है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ठीक है, जितने भी आपके एसएससी में टॉपिक आते हैं, ठीक है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया आप लोगों का, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से तो बहुत ज़्यादा सवाल है, तो जो भी हमारे टॉपिक्स है वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इसी क्लास में डेली डेली मॉर्निंग में 10 बजे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले बन गया। हाँ, अब देखो जैसे पिछले वाले स्लाइड पे मैंने आप लोगों को इसके लिए पैटर्न बताया था कि नहीं, इस वाले के लिए पैटर्न क्या बताया था कि जब ऐसे आपको मल्टीप्लाई पे नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो सबसे पहले ऐड करें सभी को या स्क्वायर करें, लेकिन यहाँ पे 21 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो सबको अलग अलग स्क्वायर कर लो फिर ऐड कर लो, ये भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे सबको अलग अलग स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी तीनों का अलग अलग स्क्वायर करो पहले फिर ऐड कर दो, ठीक है ना। ओके, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे करिएगा, 7 का स्क्वायर यहाँ पे करिएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पे करिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 94 आएगा, जोड़ देने पर 94 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आ जाता है, कोशिश करिए बन जाएगा भाई, इस वाले सवाल को बनाए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताइए। सॉरी, चलो बन गया क्या, डन। चलिए रिलेट करने की कोशिश करें, जैसे सीरीज होती है ना, मिसिंग नंबर्स भी बिल्कुल वैसा ही होता है, सीरीज में हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगला टर्म कौन सा आएगा या अगला दिमाग नंबर कौन सा आएगा, उसी तरीके का बिल्कुल ही होता है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से हमें करना है, ठीक है, सेम चीज़ रहती है। जैसे कि आप ये देखो, एक तरीके का रिलेशन देखो ना, 5 के टेबल में 16 आता है, जैसे हम लोग सीरीज में करते थे वही चीज़ है, 3 का गुणा करके प्लस 1 कर दिया, 16 के टेबल में भी 48 आता है, 3 का गुणा करके प्लस 1 करके लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 के टेबल में 27 आता है इंटू 3, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो इंटू 3 प्लस 2, सेम पैटर्न चल रहा है, समझ गए पैटर्न। तो जैसे सीरीज़ में करते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पे करना होता है, कुछ अलग नहीं रहता है यहाँ पे, तो इसको चेक करो क्या आएगा, यहाँ पे अब क्या बार आएगा इंटू 3 प्लस 3, सेम फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, तो इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो 48 आ जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, सही है। चलो अगला, कल और भी अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे गाइस, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं ना, कल और भी बेहतरीन सवाल, ठीक है, कल पहले दिन हम लोग अगर करेंगे तो बेसिक लेवल करेंगे, अगले दिन हम लोग एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है। हिंदी की क्लास अभी जब से लगेगी तब से ज्वाइन कर लेना, अभी रीजनिंग की चल रही है, मैथ्स की, जीएस की सब चल रही है, उनको ज्वाइन कर लो, हिंदी की क्लास जब लगेगी तब ज्वाइन कर लेना, अभी मुझे पता नहीं है कब लगेगी, ठीक है, या फिर लगेगी भी या नहीं लगेगी मुझे पता नहीं है, ठीक है एवरीवन, जो लग रही है उसको तो पढ़ लो पहले, रीजनिंग की क्लास में पूरे टाइम अगर हिंदी का पूछते रहोगे तो रीजनिंग पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। चलो तो अभी रीजनिंग पढ़ लो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मेनली तो सारी चीज़ें ये, हिंदी तो अपन खुद से भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं होता, आसान रहता है, हिंदी तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बन गया, ये बन गया। हाँ भैया, सारी क्लासेस कवर करवाई जा रही है यहाँ पे भी, और रात को 9 बजे भी चल रहा है, एसएससी सीजीएल के लिए रात को 9 बजे भी बैच चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, सारी क्लासेस ऑलरेडी कवर करवाई जा रही हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना ये, तो कि आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हो कि नहीं, मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले दिन से कह रही हूँ और ये रोज़ कहूँगी मैं कि भाई जो लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे बेनिफिट उन्हीं को होगा, फ़ायदा उन्हीं को होगा, बनेगा भी उन्हीं से, ये आप लोग की जिम्मेदारी कि क्लास रोज़ अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो डेली क्लास करते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक दिन छोड़ के क्लास करोगे तो फिर वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई इधर आते हैं, अब यहाँ 123 लिखा हुआ है, आप लोगों ने पूरी दम लगा ली, 4 का स्क्वायर करो, मान लो जोड़ लेते हैं अगर हम,
4 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, तभी भी 123 नहीं आएगा। कोई दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं। चलो अलग अलग स्क्वायर भी तो हो सकते हैं, जैसे 1 का ये लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर ये लिखा है, 3 का स्क्वायर, अलग अलग भी तो हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 पे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो अगले वाले पे आ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल करते हैं। अब ये जल्दी जल्दी करो, जितने जल्दी जल्दी करोगे, जितने ज़्यादा सवाल करोगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, उतना आप लोगों से बनेगा। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व करें, है ना। चलिए अब यहाँ पे 24 लेकर आओ, ऐड करो, स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, ए का बी से जोड़कर देखो, तीसरे से मल्टीप्लाई करके देखो, जो मैंने फर्स्ट पेज पे अभी जो नोट लगवाए हुए हैं, जो आप लोग को पैटर्न नोट करवाए हुए हैं, उसी पैटर्न पे ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करने का कोशिश करा करो आप लोग, है ना। 10 बजे का टाइमिंग रहता है, तो थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करने का कोशिश करा करिए आप लोग। ठीक है, ओके एवरीवन, बढ़िया 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 आंसर आ रहे हैं इसमें आप लोगों के, वेरी गुड, हो गया। ये तो मल्टीप्लाई करना था यार, इसमें क्या था, 4 का गुणा 2 से करेंगे 6, 8 आएगा, 8 का गुणा 3 से करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई करना था, तो 120 लाने के लिए 5 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल आ जाते हैं। यहाँ पे निकालो आप, 20 सेकेंड्स का टाइमर है, अंदर 8 लिखा हुआ है, आप लोगों को निकालना है अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे चेक करें। ठीक है, चलो बन गया ये वाला, कोई डाउट है इस वाले में, बन गया होगा अब तो, थोड़ा सा टाइम दो, तुम ही लोग तो कह रहे थे मैडम थोड़ा टाइम दीजिए, चलिए इसको करिए। देखिए एक बात बताओ यार, 2 का अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, और 16 में अगर हम एक जोड़ दें तो 17 आएगा, मतलब नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर, कोई भी लिखा नंबर है अगर, तो उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होगा, फालतू में तो लिखा नहीं जाएगा वो। इसी तरीके से आप ये देखिए कि 17 का गुणा जब हम 18 से करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, तब ये वाली नंबर आती है, तो अगला नंबर भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगला नंबर भी इसी तरीके से निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 137 इंटू 4 8 प्लस 1 कर दीजिए, ये आएगा आपका 1096 प्लस 1, यानी कि 1097। एक बार पैटर्न समझ गए ना तो सारे समझ में खुद ही आ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये रीजनिंग की ही क्लास चल रही है, मॉर्निंग में 10 बजे से चलती है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, ये भी आप निकाल सकते हो, बताइए भाई फटाफट से, ये रीजनिंग की ही क्लास चल रही है, 10 बजे से चलती है रोज़ाना सुबह। ठीक है, चलो ए वाला बन गया। अब इसमें देखो 94 लिखा है, 46 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सारे पैटर्न अभी आपको फर्स्ट पेज पे मैंने लिखाए हुए हैं, कौन कौन से पैटर्न चलते हैं, सारे पैटर्न फर्स्ट पेज पर आप लोगों को लिखाए गए हैं कि किस तरीके के पैटर्न चलते हैं, कौन कौन से पैटर्न चलते हैं, बताओ। अब यहाँ 94 लेकर आना है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे बन गया, स्क्वायर करके देखा, सबका अलग अलग स्क्वायर नहीं आएगा, बहुत छोटी संख्याएं हैं। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, एक पैटर्न और देखते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, सभी का स्क्वायर करके ना यहाँ पे रिवर्स में लिख देते हैं, रिवर्स डिजिट्स। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे 1 + 4 + 2 बराबर 7, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। अब 49 सीधा सीधा लिख देते तो तुम लोग तुरंत समझ जाते, लेकिन इन्होंने क्या करा, रिवर्स करके लिख दिया 94। ठीक है, यानी पहले सबको जोड़ा, 8 आया, 8 का 64 होता है, 64 का उल्टा, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 13 आएगा ना, 13 का स्क्वायर होता है 169, जिसका उल्टा लिखना है अपन को, यानी 961 लिखेंगे, तो 961 आंसर होना चाहिए। देखो भाई इस नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर्स है,
इन चैप्टर की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे अपन लोग प्रीवियस इक्वेशंस की उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी तो होती नहीं है, है ना, कि हम लोग पूरा थ्योरी लिख लें। थ्योरी लिखने जैसा कोई चैप्टर है नहीं, जीएस तो है नहीं, जीएस तो पढ़ नहीं रहे जो थ्योरी होगी इसमें। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा पैटर्न, जितने ज़्यादा सवाल अपन करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें बनेगा। ठीक है, तो बेटर करिए, कोशिश करिए, लाइव क्लास में डेली जुड़िए सुबह 10 बजे से और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। रात को 9 बजे अगर जुड़ना चाहे तो और भी बेटर है, यहाँ पे भी 9 बजे भी क्लास लगती है रात को मेरी और सुबह 10 बजे से। ओके एवरीवन, चलिए अगले वाले सवाल पर आते हैं। 961 अगला आप खुद ही कर लोगे मुझे पता है, जैसे कि ये वाला सवाल है, देखिए इसको सॉल्व करके चेक करो। मैथ्स की क्लास इसके बाद, ठीक है, मैथ्स की क्लास इसके बाद लगती है, इसके बाद ज्वाइन करिएगा। माइंड का खेल नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, माइंड का तो है ही, प्रैक्टिस का भी सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी आता है, सब तरीके से आता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी क्वेश्चंस आते हैं। वो तो जिस डायरेक्शन में बड़ी संख्या दी रहती है उसी डायरेक्शन में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे ये बताओ यार कि 20 लिखा हुआ है तो अपन को 20 लेकर आना है, इसी का कुछ करो प्लस माइनस, आराम से ला सकते हैं। देखो यार, 20 लाने के लिए देखो, जैसे हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो 22 आया, 22 में से अगर हमने ये वाला 2 माइनस करा 20 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 23, 24, 24 में से एक घटा दिया 23 आ गया। 43 लाने के लिए यहाँ 40 अगर हम जोड़ देते हैं इस वाले में तो 45, 45 में से दो घटा देंगे 43 आ जाएगा, यानी 40 की ज़रूरत पड़ेगी। पैटर्न कोई भी लगा सकते हो अपने मन से, बशर्ते वो तीनों में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको। और देखो भाई, अगर आप लोग को अपनी कहते हैं ना कि स्पीड इंक्रीज़ करनी है, देखो रीजनिंग में स्पीड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर स्पीड बढ़ानी है तो फिर अपने पास एक तरीका है स्पीड बढ़ाने के लिए, कि आप यहाँ तो क्लास कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रात को 9 बजे भी अपनी क्लास है, सुबह 10 बजे भी है, ये वाली नया बैच स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स में करवाऊंगी। दूसरी बात, अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लास में, जो कि हमारी ऐप पे क्लास होती है, वहाँ हम लोग पोल सिस्टम से क्लास करते हैं ना, तो वहाँ आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अनअकैडमी जो क्लास होती है ना। ठीक है, है ना, तो ये जो है आप लोगों का 11 बजे सुबह रहता है, इसके बाद अनअकैडमी का क्लास रहता है और शाम को 4 बजे रहता है, तो आप इस टाइमिंग को नोट कर लो, फ्री क्लासेस हैं, नाम सर्च करके सीधे आप फ्री क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड बनाने के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो और बेटर रहेगा। फ्री क्लास है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है, सिर्फ फ्री क्लास में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपकी वहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ खुद ही हो जाएगी, तो टाइम नोट कर लीजिएगा। चले हाँ भाई, फ्री है, रात को 9 बजे वाली, अभी 10 बजे जो कर रहे हैं वो भी फ्री, ये दोनों भी आपकी फ्री क्लासेस हैं, ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप पर ये क्लासेस आपकी चलती हैं फ्री वाली, इसी के बाद हमारी क्लास चलती है। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं, फॉलो करते हैं अगले सवाल को। इसको भी बता दो यार, इसका पैटर्न अभी सॉल्व किया था, सारे लोग बताओ, चलो टारगेट करो इसको, सारे लोग विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर टारगेट करिए। चलिए वही था स्क्वायरिंग एंड देन, देखो 69 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना यार, तो फिर लॉजिक ये लगेगा कि अलग अलग स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें, फिर आपका लॉजिक ये लगेगा, अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करो फिर ये लगेगा लॉजिक। ठीक है, चलो फिर इधर देखो, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, जब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65, 65 आ गया सबका। बोलो पहले एक बार सब लोग डन कर दो, यहाँ तक क्लियर है सबको, डन कर दीजिए, सभी को क्लियर है। अभी अपन बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, फिर अपन हाई लेवल पढ़ेंगे, मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, हर तरीके के सवाल अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आ जाते हैं एवरीवन। चलिए इस वाले सवाल को देखें, अब यहाँ पे भी शायद हमें कुछ समझ में आए, चेक करो। चलिए डन। अब देखो यार, इसका सबसे पहले चेक करो। देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं ऑलमोस्ट बराबर लग रही हैं, है ना। सारी संख्याएं यहाँ पर जो लग रही हैं वो बिल्कुल बराबर टाइप की लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी संख्याएं बराबर हैं, लग रही हैं कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये थोड़ा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा जैसे इक्विलिब्रियम वाला हम सॉल्व करते हैं ना। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे 8 का गुणा 5 से करा तो भी 40 आया, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को जोड़ दिया तभी भी 40 आ रहा है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाले पार्ट का सेम आता है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन कभी कभी एडिशन भी सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का 4 से करेंगे 36 आया, और यहाँ 25 में 11 जोड़ेंगे तभी तो 36 आएगा ना, यहाँ पे 11 की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 आ रहा है और यहाँ पे भी देखो 30 आ रहा है जोड़ने पर, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले का जोड़ने पर, ठीक है। अगला चेक करते हैं। चलो अब ये देखो, ये जैसे उस तरफ होगा, उस तरफ सॉल्व होगा, तो इसको कोशिश करिए बनाने का हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है ऐसे रो वाइज, तो ये आपका रो वाइज सॉल्व होगा। देखो यार 800-900 लोग लाइव देख रहे हैं अभी क्लास को, फटाफट से लाइक कर दो सारे लोग, जल्दी से सभी लोग जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को। चलें इसमें भी वही लॉजिक लगते हैं जैसे आप लोग लगाते हो ना पहले वाले में, जैसे आप रो वाइज लगाते हो वैसे ए प्लस बी लगता है इंटू सी लग जाता है, ठीक है। या ए का गुणा सी से करते हैं और उसमें बी वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है। या ए प्लस बी कर दिया माइनस सी कर दिया, या ए में से सी को घटा दिया उसमें फिर बी जोड़ दिया, इस तरीके के पैटर्न यहाँ पर भी सेट हो जाते हैं। तो आप चेक करो यहाँ पे क्या बनेगा, चेक करिए सारे लोग, ठीक है। और कल के लिए भी रेडी रहिएगा, कल इसी चैप्टर का लेवल 2 पढ़ेंगे हम लोग, कल के लिए भी रेडी रहिएगा। इसी चैप्टर का लेवल 2 भी हम लोग को देखना है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हो जाएँ तब मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यार 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ लो 20 लेकर आना है अपन को। 20 देखो तीनों को जोड़ेंगे तब तो आएगा नहीं 14, 16 ही हो रहा है। अब देखो 6 का गुणा अगर हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई 12 आता है, 12 में 8 को जोड़ दीजिए। 7 का 4 से गुणा किया 28, 28 में 2 जोड़ दो। 9 का 5 से मल्टीप्लीकेशन किया 45, 45 में मिडिल वाला जोड़ देते हैं 50। तो यहाँ पे भी सेम होगा, 8 का गुणा करेंगे 6 के साथ प्लस 7, 55 आएगा। कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, जो मैंने बताया था ये वाला। तो ये आप लॉजिक भी लिख लिया करो ताकि आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। लॉजिक भी लिख लिया करो ताकि आगे के सवालों में आप लोगों का काम आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए कौन सा टाइम चेंज हो गया, कहाँ टाइम चेंज हो गया भाई, वही टाइम है सुबह का है 10 बजे का, सुबह का टाइम है 10 बजे का, कहाँ टाइम चेंज हुआ है, वही टाइमिंग चल रहा है, कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलें, अगले सवाल पे आ जाते हैं, इस वाले का आंसर करिए। चलिए आप देखो ऐसे सवालों में क्या करें, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें, है ना। देखो भाई, तो पहले नाइट में जो 9 बजे होता था तो वो 9 बजे अभी भी चल रहा है, कहाँ टाइम चेंज हुआ है। जो नाइट में 9 बजे होता था वो अभी भी नाइट में 9 बजे चल ही रहा है, इसी चैनल पर चलता है। ये अलग क्लास है, वो अलग क्लास है, ये दूसरी क्लास है। अब दिन में 2 क्लास लगती हैं, पहले एक लगती थी अभी 2 लगती हैं, ठीक है, ओके। हाँ तो नाइट में भी आपका टॉपिक वाइज चल रहा है 9 बजे, वो भी अपना अलग क्लास है, ठीक है, वहाँ पर भी आप पढ़ने आ सकते हैं। और ये 10 बजे अलग क्लास है, 2 क्लासेस चल रही हैं इस समय अलग अलग, ठीक है, कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर 6 लाना है हमें, मान लो
तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं। जोड़ा इनको हमने तो कितना आया, 42। 42 में अगर 7 का भाग दे दिया तो 6 आ सकता है। इधर भी फॉलो करिए, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा कि नहीं। 56 में भी 7 का भाग दिया तो देखो 8 आया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे मैडम 7 का ही भाग क्यों दिया, कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके देख लो। मान लो कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आया, तो 6 से डिवाइड कर लो, जो यहाँ पे लिखा है उससे तो करो, तो यहाँ 7 आ रहा है। यहाँ पे 8 से डिवाइड कर लो तब भी 7 आ रहा है, कैसे भी कर लो। ठीक है, सही बात है ना। तो यहाँ पे देखो भैया, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 105 आएगा। 105 में 7 लाने के लिए 15 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 7 आएगा, यानी कि 15 आएगा यहाँ पे, या तो सब में आना चाहिए, ठीक है, या जो भी है ना, 15 तो आएगा ही, कैसे भी कर लो, 15 ही आएगा इस वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल पे। यहाँ पे करो भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, सॉल्व करिए, यहाँ पे चेक करिए सभी लोग बढ़िया तरीके से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी बाकी की क्लासेस का शेड्यूल आपको इस वीडियो के शुरुआत में देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, प्ले करिए, थोड़ा पीछे जाकर, बैक साइड में जाकर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सी क्लासेस कब कब चल रही हैं। हो गया। अब यार ये तो बहुत ही इजी था, इसमें तो कम से कम गलत करना ही मत तुम लोग, है ना। जैसे ये 7 नंबर का लेटर है, ये 6 नंबर का लेटर है, ये 9 नंबर का, सभी को जोड़ोगे तो 22 नंबर का आ जाएगा, यानी इन सबको जोड़कर लास्ट लेटर, यानी ये 11 है, ये 6 है, ये 7 है, 24 आएगा। 24 नंबर का लेटर होता है एक्स, तो एक्स पे टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल, अब इसको भी सॉल्व करेंगे सारे लोग। मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था 2 दिन से, मैंने कहा था 30 तक का कम से कम स्क्वायर या क्यूब लेकर आना, याद करके आना, ये उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो इस वाले को सॉल्व करिए आप लोग। हाँ जी, सारे लोग इस वाले को सॉल्व करना फटाफट से, सभी लोग। हाँ भाई, ये वाले क्लास डेली होती है, मॉर्निंग में 10 बजे, रात को होती है 9 बजे, अलग अलग क्लासेस। ठीक है, एक क्लासेस रात को 9 बजे चलती है, ये वाली सुबह 10 बजे, डेली डेली। हो गया, ये वाला बन गया, डन। देखो यार, सबको दिख रहा है 2197 13 का घन होता है, 13 का क्यूब। 13 कहाँ से लाएंगे, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ के जो भी आया उसका घन लिखा है, 17 का घन। तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, 16 का घन लिख दो, याद होगा तभी तो बनेगा, नहीं तो सोचते बैठे रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने पहले ही कहा था कि भाई हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, उसका पूरा पूरा ये जो 50% चैप्टर है, मिसिंग नंबर हो, सीरीज हो, तभी बनते हैं जब हमें कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होते हैं, तभी हमसे ये वाले सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट वन, अगला सवाल करें। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है गाइस, देखना। और कल तो अपन और भी जो है हाई लेवल का सवाल करने वाले हैं, तो इसी क्लास में रेडी रहिएगा। कल टारगेटेड बेस्ड क्लास करेंगे, कल मॉर्निंग में 10 बजे, क्योंकि कल मिसिंग नंबर का अपन लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, आज भी पढ़ रहे हैं, कल और थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो भैया इसको करो जल्दी से, क्या बनेगा चेक करो। आपको कुछ ऐसा करना है कि 257 आ जाए, फिर 642 आए, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो भी आप लोगों को बताना है। डन, 257 आना चाहिए। देखो आप लोग एक बार ये सोचोगे कि सबका स्क्वायर करके देखेंगे, नहीं बनेगा, और सबका क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या करें, कोई बताएगा। देखो सबका स्क्वायर बहुत कम है और सबका क्यूब बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें, कुछ का स्क्वायर कर लो, कुछ का क्यूब कर लो। जैसे 6 का हमने क्यूब किया तो कितना होता है, 216 होता है, ये कम से कम इसके पास की संख्या तो है। 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 16। अगर हम इन तीनों को ही जोड़ेंगे तो ही हमें ये मिल जाएगा, यानी कि हम सिर्फ 8 का घन करेंगे 512 होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ऐड कर देंगे 642। इधर वाला चेक करो भाई, तो इधर वाले में 2 का घन करना है अपन को, 8 आएगा घन यानी क्यूब, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का क्यूब अगर हम करेंगे स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करना था, आप कर दो जोड़ दो इनको, 69 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लेना एक बार, गलत तो नहीं है कहीं मेरा एडिशन गलत तो नहीं कर दिया, चेक कर लेना एक बार 69 आ रहा है कि नहीं।
हाँ जी चलिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप सब लोग बना पाओगे? चलो इसको तो सब लोग बना लेंगे, बना के बताइए इसको। सारे लोग जल्दी से बातें नहीं करिए, बातें मत करो मत करो। लेटर्स की प्लेस वैल्यू, ये फ्री वाली क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे चलती है, एक चलती है रात को 9 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है? ये दो फ्री क्लासेस यहाँ चलती हैं वाईफाई स्टडी पर, एक चलती है अपनी 11 बजे 4 बजे शाम को अनअकैडमी पर, दो, ठीक है? सुबह 11 बजे इसी क्लास के बाद, शाम को 4 बजे अनअकैडमी पर, हो गया? चलिए यार देखो, U का मतलब होता है 21, सबको पता है। E का मतलब 5 होता है, सबसे पहले जोड़कर देख लेते हैं, 26 आया, 26 का दुगना देखो ये लिखा हुआ है, कौन नहीं समझ पाएगा? इतना तो कर ही सकते हैं, सीधा सीधा तो नहीं लिखा जाएगा ना, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा तो नहीं लिखेंगे। 19 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, अगर दोनों को जोड़े हैं डबल कर दें हम लोग, यहाँ पे भी आपका लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 24, दोनों को जोड़ दें और डबल कर दें तो हमारे पास आएगा 66, 33 आएगा, 33 का डबल यानी कि 66 हो जाएगा, ठीक है? अगले वाले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है? सबसे पहले जोड़ने का ही लॉजिक लगाएं, फिर मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर का दिमाग लगाएं, फिर क्यूब का दिमाग लगाएं, फिर एवरेज कर सकते हैं। तो इसको चेक करिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, और वीडियो देखते देखते से साथ साथ में लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? वीडियो देखने के साथ साथ में लाइक भी कर दिया करो। बन गया, सबसे पहले मैंने कहा था ना जोड़ने वाला, जैसे देखो 7 और 3 10 होते हैं, ठीक है, है ना? अब यहाँ 10 से तो कोई संबंध बन नहीं रहा है, 4 लिखा हुआ है, चलो कोई ठीक है, मल्टीप्लाई वाला करके देख लेते हैं। 7 का गुणा 3 से करेंगे 24 आता है कि नहीं बताओ? 24 में से अगर 17 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, एक ही बात है, या 21 में से 4 घटा दो तो 17 आ जाएगा, एक ही बात है, कैसे भी कर दो, ठीक है? चलो यहाँ पे 9 का गुणा 8 से करेंगे 72, 72 में से अगर हम 5 घटा दें तो 67 आता है, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15, 15 में से अगर हम लोग 9 घटा दें, 6 घटा दें तो 9 आ जाएगा, सेम 12 का गुणा 9 से करेंगे 108, 108 में से अगर हम ये वाला 8 माइनस करते हैं तो फिर 100 आ जाएगा, सही है? जोड़ने का नहीं लॉजिक बना तो हमने ऐड करने वाला लॉजिक, मल्टीप्लाई करने वाला लॉजिक लगा लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहाँ पे सॉल्व करो, ये सबसे आसान है, और ये अभी आया हुआ सवाल है, ये आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर भी नहीं कहेंगे, करंट ईयर क्वेश्चन कहेंगे इसको, आया है रेलवे में, सवाल ये आया था रेलवे का, जो अभी पेपर चल रहा था उसमें ये वाला सवाल आ चुका है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करिए भाई, ये बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के समझ में आ गया तो। चलिए टाइमर आपके पास 10 सेकंड्स है, चेक करिए इसको क्या आंसर होगा। एक और बार टाइमर दे रही हूँ, ठीक है, एक और 20 सेकंड्स आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग बना पाओ। बहुत इजी सवाल है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी, आराम से कर सकते हैं आप इसको। डन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं था, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक था। देखो आप इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है कि नहीं डायरेक्टली 82, इन दोनों को जोड़ने के बाद, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मतलब कि दो छोटी संख्याओं को जोड़कर बड़ी संख्या आ रही है, दो छोटी संख्याओं को जोड़कर बड़ी संख्या आ रही है, समझ गए? तो इन दोनों को जोड़कर यह है। अब आप यहाँ 83 लाने के लिए 48 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? 35 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा, यानी 35, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा आए a प्लस बी बराबर सी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इन दोनों को जोड़कर ये वाला आ सकता है, इन दोनों को जोड़कर मिडिल में लिखा है, ऐसा भी हो सकता है, छोटी संख्याओं को जोड़कर बड़ी संख्या लिखी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, ये आजकल इस तरीके के नए नए पैटर्न फंस रहे हैं।
चलो इधर बताओ भाई, इधर क्या बनेगा? ये माइनस में लिखा हुआ है, माइनस का 32 लिखा है। कटिंग जैसे कि तैसी लगी हुई, मतलब ये पेपर में आया हुआ सवाल है, मैंने काट के लगा दिया है, यहाँ पे कटिंग लगी हुई है सेम टू सेम। ठीक है, डन। हो गया। अब एक चीज दिमाग से सोचने वाली, इतना तो आप लोग तैयारी करते हो, आप लोग को समझ में आता है कि माइनस का सिंबल तभी आता है जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, मल्टीप्लाई करने से आएगा नहीं। क्यों ना 7 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को अगर हम माइनस करके देखें तो आ जाएगा ना। सेम अगर 12 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 108। लास्ट 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करके देखो, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 का स्क्वायर होता है 49, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 120। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत हो जाने चाहिए देखते ही। अगला निकालो भाई, यहाँ पे क्या है, ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चेक करिए इसको, सभी लोग कर सकते हैं इसको, सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा देखो भाई, जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, जितने ज़्यादा पैटर्न पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही हमसे मिसिंग नंबर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर प्रैक्टिस वाले होते हैं, उनसे बनेगा। क्लॉक है तो उसमें थोड़ी थ्योरी आती है, कैलेंडर में थ्योरी आती है, ठीक है, कुछ चैप्टर हैं जिनमें थ्योरी चलती है, बाकी सभी में प्रैक्टिस चलती है, बस और कुछ भी नहीं। ऑर्डर रैंकिंग है तो थोड़ी थ्योरी आ जाएगी वहाँ पे, है ना, ब्लड रिलेशन है तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जैसे ऐसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, देखो 54 लाना था भाई, 54 सबको पता है कि 9 का गुणा जब 6 से करते हैं तभी आता है 54, और कोई तरीका नहीं है। तो 9 कैसे आएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 आएगा, 10 का गुणा 8 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे सेम यहाँ पे चल रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 80 आ गया होगा, 80 पे टिक कर सकते हैं, है ना। अगला नंबर, चलो ये भी सब कर सकते हो, सारे लोग सॉल्व कर सकते हो, करके बताओ इसको। चलो हो गया, चलो सबको पता है, देखो यार 30 तक के याद कर लो, मैंडेटरी है, स्क्वायर्स कम से कम और क्यूब्स कम से कम 30 तक का मैंडेटरी है, तभी बनेगा। जैसे ये सवाल है 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 27 का स्क्वायर ये लिखा है, ये 26 का लिखा है, अगर याद नहीं होगा तो सोचते बैठे रहोगे, पेपर में टाइम चला जाएगा पूरा। इन तीनों नंबर्स को जोड़ दो, 78 आ गया, यानी स्क्वायर रूट निकाल के जोड़ना था बस। ये आपका 17 का स्क्वायर रूट है, 17 का स्क्वायर है, ये आपका 18 का है और ये आपका 19 का है, सबको जोड़ दीजिए, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। अगला सवाल ये हमने अभी किया था, 48 आया था इसका आंसर, अगला कर लेते हैं एक और इस तरीके का, ये भी बहुत आसान है, बनाओ, थोड़ा हाई लेवल है तो वो है ही, बेसिक से हाई लेवल अपन को पढ़ना ही, कल और भी हम हाई लेवल करेंगे, कल के लिए और भी रेडी रहेगा यहीं पर सुबह 10 बजे। ठीक है, कल एकदम हाई लेवल करेंगे अपन मस्त, सुबह 10 बजे से यहीं पर एडवांस लेवल मिसिंग नंबर्स रेडी रहेगा, ठीक है ना। और रात को 9 बजे भी अपनी क्लास चल रही है, वो भी टॉपिक वाइज होती है, रात को 9 बजे भी आप लोग मेरे साथ क्लास कर सकते हो टॉपिक वाइज में, ठीक है, इसी चैनल पर। और अनअकैडमी की फ्री क्लास होती है इसी के बाद 11 बजे से और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है, अनअकैडमी पर आप मेरे साथ आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, डन। देखो भैया सबसे पहले दिमाग तो जोड़ने वाला ही लगता है, जब हमने इन दोनों को ही अकेला जोड़ा तो कितना आया बताओ, 147 आ गया होगा आपके दिमाग में, 147 में से अगर 7 घटा देते हैं तो 140 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे क्या किया है, पहले बी को और सी के साथ जोड़ दिया है, फिर माइनस ए कर दिया है, समझ रहे हो, यानी पहले इन दोनों को जोड़ा, उसमें से 21 को घटा दिया, सेम पहले इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 675, 675 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 660।
है ना? सही है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना भाई, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है सभी को? ठीक है ना, सभी को क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बोलो? 15 घट जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर है? तो सारे लोग टाइमिंग नोट कर लो गाइस, ये वाले क्लास का टाइम 10 बजे और रात को 9 बजे, और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का समय 11 बजे, शाम को 4 बजे, ठीक है? तो अगली क्लास, अभी हम लोग टाइम अपना जो है थोड़ा सा फिनिश हो रहा है, अगली क्लास हम लोग करेंगे 11 बजे से, कहाँ पर? अनअकैडमी पर। और रात को मिलेंगे हम लोग 9 बजे के टाइमिंग पे, यहीं पर इसी चैनल पे। और कल मिलेंगे एडवांस क्लास में यहाँ पर सुबह 10 बजे। तो कल के लिए कितने लोग रेडी हैं, एक बार रेडी कर दीजिए। हाँ भाई, अनअकैडमी पर भी फ्री है, ऐसे पूछते हैं जैसे जाने कितने करोड़ों रुपए लग रहे हैं। फ्री है भाई, फ्री है, पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाओ, फ्री है, फ्री है। हाँ भाई फ्री है सारा, सब तो तुम लोग फ्री वाले ही हो, फ्री में ही पढ़ते हो सारी क्लासेस, तो फिर काहे पूछते रहते हो 10 बार, ठीक है? ओके, लिखा तो है, ये लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है नीचे, यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, हर जगह फ्री फ्री लिखा हुआ है, सारी फ्री क्लासेस है। फ्री क्लासेस के बारे में ही इतना बताती हूँ, ठीक है? इतना चिल्ला चिल्ला के फ्री क्लास का ही अनाउंसमेंट किया जाता है, ताकि आप सब लोग फ्री में तो पधारे, तो भी बहुत बड़ा एहसान होता है ना? सही बात है, और नहीं तो क्या। चलो लाइक शेयर कर देना, कल की क्लास में अपन मिलेंगे यहाँ पर। अभी इसके बाद अनअकैडमी पर 11 बजे जुड़िएगा और शाम को 4 पे, ठीक है? फ्री क्लास है, बाकी इधर क्लासेस का समय लिखा हुआ है, ठीक है? अगर अनअकैडमी पे आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हो तो फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम तो चलाते हो ना सब लोग, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ जाओ आप लोग, रितिका तोमर ऑफिशियल पे जुड़ जाइए, ठीक है? ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ जाइए। और दूसरी चीज़ है, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे फिर भी अनअकैडमी पे, तो मेरा नाम सर्च कर लो डायरेक्टली अनअकैडमी पे, हम लोग नाम सर्च करके सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक है? कोड पूछेगा तो रितिका 10 लगाना, है ना? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेस लग रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट ऑफर चल रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग के पास ये सारे फीचर्स मिलेंगे, डाउट्स पूछ सकते हो, रेज हैंड क्लास में लाइव बातचीत कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन लोगे अगर अनअकैडमी का तो वो और भी बेस्ट होगा, ठीक है? उसमें आप रितिका 10 कोड लगाएंगे तो 20% का आप लोगों का डिस्काउंट हो जाएगा, कॉइन्स का भी यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है? 20% डिस्काउंट के लिए रितिका 10 कोड लगा लेना भैया, RITIKA10, ये मेरा कोड है, अनअकैडमी में हर जगह वैलिड है, आप किसी भी क्लास का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो रितिका 10 कोड लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ ज्वाइन करके अपना पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है एवरीवन? तो क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप उसे रिपोर्ट करें, ठीक है? और इस चैनल पर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एवरीवन, ठीक है? तो फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे यहाँ पर, और अनअकैडमी में सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। ओके एवरीवन, थैंक यू।